ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुप्रभातम, आप सभी का स्वागत है कार्तिक मास अध्याय 4 की कथा में। कथा 3 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कार्तिक मास के महत्व, कार्तिक मास के व्रत, दान स्नान आदि का महत्व बताया। अब आज हम शुरू करते हैं उसके आगे की कथा। तो भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा का स्मरण करें। इस कथा के स्मरण से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। जो भी मनुष्य कथा का पूर्ण श्रवण करता है उस मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो अपने हृदय में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु जी मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो महर्षि कश्यप ने उस मछली को तालाब में डाल दिया। और जब वह मछली तालाब में भी न समा सकी तो महर्षि कश्यप ने उस मछली को समुद्र में छोड़ दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंकासुर का वध किया और शंकासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही ऋषि उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर में सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, हे देवादि देव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वर्दी करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्म घाती आदि महापापियों की शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय दान बना देने वाला भी हो। यह इस स्थान को वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं तुमने जो कुछ कहा वह मुझे स्वीकार है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जिस दिन सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सब पापों का नाश होगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहाँ से अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप भगवान श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान श्री के वैकुंठ धाम को जाता है। तो ये थी कार्तिक मास अध्याय चतुर्थ की कथा। और इस कथा को श्रवण करने और श्रवण करवाने वाले दोनों महापुरुषों का उद्धार हो जाता है। तो कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।